जी हूँ बंधुगण, स्वागत करुच्ची मुझे आपण को आउ गोटे सुंदर भिडियो मध्यम। तो ये भिडियो आम अधिकार अधिका क्वेश्चन ही करवा जोटा कि बहुत ही इम्पोर्टाट आ बहुत ही गुरुत्वपूर्ण। जदि आप प्लस थ्री सेकेंड सेमिस्टर पढ़ुं आड़िया अनर्स रखी आने रखु आपने जेकोसी भी एक्जाम होड़ यूजी पिजी यूजी सिलेट जे एक्जाम हो गला एस बी एक्जाम हो गला समस्त एक्जाम हेल्प कर आपने सर्ट क्वेश्चन एक्जाम देवाई जाए भी हेल्प कर आप लंग क्वेश्चन एक्जाम देवाई जाए भी हेल्प कर केवल आपको यूज करने पड़े पेन आउ कॉपी पेन कॉपी आउ रिविजन ये तीन टा जिनस जदि आप यूज करें चेंज करदेव आपन को परिवर्तन करके आग को लेकिन तीन टी जिनस पेन कॉपी आउ रिविजन आउ देखु अधिकार अधिक रिविजन करेंगे। रिविजन सब मोस्ट इम्पोर्टाट अटे गोटे पिलार। तो चलतु आम डेरी न करें क्वेश्चन को जीवा। तो क्वेश्चन नंबर वन कौन पचार देखु देखो बहुत ही इम्पोर्टाट आउ बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे पेन आउ कॉपी को यूज करेंगे। जब चैनल नुआ आ चैनल को सब्सक्राइब करदे आंग भी शेयर करदे वीडियो को लाइक आउ कमेंट करके जन वीडियो कमी लगे। तो चलते क्वेश्चन नंबर वन को जीवा। क्वेश्चन नंबर वन कौन पचार टेलीग्राम चैनल जब जॉइन होना वीडियो तरफ लिंक पाइबे आम टेलीग्राम चैनल लिंक। तो देखते बनीगण क्वेश्चन नंबर वन आमको पचारे देखते भक्त कवि मधुसूदन राव भक्त कवि किए मधुसूदन राव के जन्मग्रहण करते पचार। तो यार सठिक उत्तर कौन है देखो आमको ऑप्शन नंबर ए रे कौन पचार 1848 मसीहा सेप्टेम्बर मस 28 तारीख। देखो 1848 मसीहार तो आम मधुसूदन राव देखते जन्मग्रहण करे किए जन्मग्रहण करते उत्तर कौन कह राधानाथ राय कवि बर राधानाथ राय जन्मग्रहण करते 1848 मसीहार। जदि हम देखिए ऑप्शन नंबर बी देखु 1853 मसीहा जनवरी देखते जनवरी मस 29 तारीख। हाँ देखु मधुसूदन राव 1853 मसीहा जनवरी मस 29 तारीख दिन जन्मग्रहण करते तो ऑप्शन नंबर बी हो सठिक उत्तर। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन दुईटा क्वेश्चन आम कहे। तो ये देखते ऑप्शन नंबर थ्री कौन दे 1862 मसीहा अगस्ट मस 9 तारीख दिन किए जन्मग्रहण करते आपने जानते बहुत इम्पोर्टाट आ बहुत ही गुरुत्वपूर्ण आमर गंगाधर मेहर स्वभाव कवि गंगाधर मेहर 1862 मसीहा अगस्ट मस 9 तारीख दिन जन्मग्रहण करते। तो तीन टी क्वेश्चन है देखते ऑप्शन नंबर डी रे कौन देना 1843 मसीहा जनवरी मस 13 तारीख दिन किए जन्मग्रहण करते आमर देखु किए फकीर मोहन सेनापति ये देखु 1843 मसीहा जनवरी मस 13 तारीख दिन जन्मग्रहण करते किए फकीर मोहन सेनापति। तो क्वेश्चन जमी पचार उत्तर सेमती करेंगे। तो ये गोटे क्वेश्चन आम चार जाक क्वेश्चन करदे आहरी क्वेश्चन करवा देखु ऑप्शन नंबर ए रे कौन दे 1848 मसीहा सेप्टेम्बर मस 28 तारीख दिन दे तो किए जन्म होते राधानाथ राय कवि बर राधानाथ राय। जदि आप क्वेश्चन दिजो बंधुगण जदि आप क्वेश्चन दिजिव जे कवि बर राधानाथ रायर पिता नाम कौन माता नाम कौन तेल उत्तर कौन करेंगे पिता नाम हूँ बंधुगण सुंदर नारायण राय सुंदर नारायण राय आउ माता नाम हूँ बंधुगण तारिणी देवी। पेन और कॉपी को यूज करूँ आबू लिखि रखु देखु कवि बर राधानाथ रायर पिता नाम हूँ सुंदर नारायण राय और माता नाम हूँ तारिणी देवी। बहुत ही इम्पोर्टाट आ बहुत ही गुरुत्वपूर्ण। जदि आप क्वेश्चन दिजाव जो कवि बर राधानाथ राय केउठारे जन्मग्रहण करते यार सठिक उत्तर कौन करेंगे यार सठिक उत्तर हो बंधुगण बालेश्वर जिला केदारपुर ग्राम जन्मग्रहण करते केउठारे जन्मग्रहण करते बालेश्वर जिला देखु सुर निकटवर्ती केदारपुर ग्राम जन्मग्रहण करते। तो बहुत ही इम्पोर्टाट आउ बहुत ही गुरुत्वपूर्ण थी। जदि आम देखा बंधुगण देखते ऑप्शन नंबर बी रे आम भक्त कवि मधुसूदन राव जन्मग्रहण करते 1853 मसीहा जनवरी 29 तारीख दिन तेल आम भक्त कवि मधुसूदन रावर पिता नाम कौन माता नाम कौन जदि आप क्वेश्चन दिजाव तेल यार सठिक उत्तर कौन करेंगे पिता नाम हूँ बंधुगण कौन भागीरथी राव पिता नाम हूँ भागीरथी राव आउ माता नाम कौन जदि आप क्वेश्चन दिजाव तेल यार सठिक उत्तर कौन कर अंबिका अंबिका देवी करदे आपणकर करेक्ट आंसर हो। तो मन रखिए मधुसूदन रावर पिता नाम हूँ भागीरथी राव आता नाम हूँ अंबिका देवी। तो ये जिनस को मन रखिए बहुत ही इम्पोर्टाट आ बहुत ही गुरुत्वपूर्ण। आउ गोटे जिनस जदि आप क्वेश्चन दिजाव जे आम भक्त कवि मधुसूदन राव केउठारे जन्मग्रहण करते यार सठिक उत्तर कौन करेंगे पूरी जिला मन रखिए पूरी जिला केउठारे जन्मग्रहण करते पूरी जिला पथुरिया
साहिरे जन्मग्रहण करी पुरी जिलार पथुरिया साहिरे जन्मग्रहण करी आमर देखु मधुसूदन राव भक्त कवि मधुसूदन राव ताप देखु परवर्ती क्वेश्चन आउ कौन कौन पचार देखु मुझे कहीदे बहुत ही इम्पोर्टा जिनस देखते ऑप्शन नंबर सी देखिए 1862 मसीह किए जन्मग्रहण करते आमर स्वभाव कवि गंगाधर मेहर ताकि स्वभाव कवि गंगाधर मेहर देखते पिता नाम कौन आता नाम कौन यहीटा भी जानवा बहुत ही गुरुत्वपूर्ण तो पिता नाम हूँ बंधुगण चैतन्य चैतन्य मेहर पिता नाम हूँ चैतन्य मेहर आता नाम हूँ बंधुगण सेवती देवी सेवती देवी ये जिनस को मन रखिए बहुत ही इम्पोर्टाट आउ बहुत ही गुरुत्वपूर्ण गंगाधर मेहर पिता नाम हूँ सेवती देवी सरी पिता नाम हूँ चैतन्य मेहर माता नाम हूँ सेवती देवी तो दुईटा जिनस मन रखिए आउ गोटे क्वेश्चन कौन पचार देखु जदि भी आपको क्वेश्चन दिया जाए गंगाधर मेहर देखते गंगाधर मेहर घर कौटी से कौठार जन्मग्रहण करते तार जन्मस्थान कौटी तो आपने उत्तर कौन करेंगे बरगढ़ जिलार कौठार जन्मग्रहण करते बरपाली से जन्मग्रहण करते बरगढ़ जिलार बरपाली भूलिया परिवार रे जन्मग्रहण करते मन रखिए देखिपड़ आप कौन कह गंगाधर मेहर क्यों परिवार रे जन्मग्रहण करते उत्तर कौन करें भूलिया परिवार ये जिनस को मन रखिए बहुत इम्पोर्टाट क्वेश्चन आ बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे भूलिया परिवार रे जन्मग्रहण करते आम स्वभाव कवि गंगाधर मेहर ताप देखु ऑप्शन नंबर डी रही 1843 मसीहा जनवरी 13 तारीख दिन आम किए जन्मग्रहण करते फकीर मोहन सेनापति फकीर मोहन सेनापति तो फकीर मोहन सेनापति पिता नाम कौन आता नाम कौन जदि आप क्वेश्चन दिया जाए यार सठिक उत्तर कौन पिता हूँ बंधुगण लक्ष्मण सेनापति पिता नाम अच्छी लक्ष्मण सेनापति नाम कौन ताता नाम हूँ तुलसी देवी माता नाम हूँ तुलसी देवी ये जिनस को मन रखिए बहुत ही इम्पोर्टाट आउ बहुत ही गुरुत्वपूर्ण आदि आप क्वेश्चन दिया जाए ये देखुं फकीर मोहन सेनापति केठारे जन्मग्रहण करते यार सठिक उत्तर कौन करेंगे बालेश्वर जिलार मल्लिकाशपुर ग्राम जन्मग्रहण करते बालेश्वर जिलार मल्लिकाशपुर ग्राम जन्मग्रहण करते आम फकीर मोहन सेनापति तो बहुत ही इम्पोर्टाट आउ बहुत ही गुरुत्वपूर्ण थी बंधुगण तो आहरी क्वेश्चन करवा कि आगक बढ़िया तो जदि आम आगक बढ़िया तो आहरी क्वेश्चन रही किंतु यू जदि आम क्वेश्चन आहरी करवा तो आहरी अच्छी सरी ना आहरी अच्छी तो बहुत ही इम्पोर्टाट आउ बहुत ही गुरुत्वपूर्ण अटे एमती करवा दरकार क्वेश्चन अधिकारू अधिका जदि मन रखापी चाहते आगक बढ़ापी चाहते एमती पढ़वा दरकार बहुत ही इम्पोर्टाट जिनस आउ बहुत ही गुरुत्वपूर्ण अटे बंधुगण तो एमती ही पेन आ कपी को यूज करेंगे अधिकारू अधिक रिविजन करेंगे आउ देखु बंधुगण देखु जदि मुझे कह मधुसूदन राव कथा जी मुझे कह पिता नाम कौन थी पिता नाम हूँ बंधुगण भागीरथी राव आता नाम हूँ बंधुगण भागीरथी सरी माता नाम हूँ अंबिका देवी माता नाम हूँ अंबिका देवी तो ये जिनस को मन रखिए पिता नाम हूँ भागीरथी राव तो देखु जदि मुझे कह भक्त कवि मधुसूदन राव केते भाई थे दुई भाई थे तेल आ गोटे भाईर ना कौन जगन्नाथ आ गोटे भाईर ना हूँ जगन्नाथ तो जदि मुझे कह बंधुगण मधुसूदन राव को माता देखते जिते बिले मधुसूदन राव को 5 वर्ष होता से देह त्याग करते मृत्युवरण करते अंबिका देवी देखते मधुसूदन राव को माता अंबिका देवी मृत्युवरण करते जिते बिले मधुसूदन राव को 5 वर्ष होता तो जदि आप क्वेश्चन दिया जाए बंधुगण जे देखते बहुत ही इम्पोर्टाट जिनस आ बहुत ही गुरुत्वपूर्ण जिनस अटे तो देखु ये मैंने कौन करुले ना मामू घरे रोते जिते बिल मृत्यु होता माता अंबिका देवी से मधुसूदन राव आउ जड़े भाई देखु जगन्नाथ ये मैंने मामू घरे रोते
जदि आपन को क्वेश्चन दिया जिवो तांकर पिता भागीरथी राव कोन करूथिले से कोन थिले ताहले उत्तर कोन करबे से जने पुलिस कर्मचारी थिले। देखंतु भक्त कवि मधुसूदन रावकर पिता भागीरथी राव से जने पुलिस कर्मचारी थिले। तो बहुत ही इंपोर्टेंट जिनस बहुत गुरुत्वपूर्ण क्वेश्चन तैयारी हो जिवो। आ जेते बेले बंधुगण मधुसूदन राव को जेते बेले 7 वर्ष हैला जेते बेले 7 वर्ष हैला से स्कूल रे नाम लिखे देले से कोन कले स्कूल रे नाम लिखे देले। तो बहुत ही इंपोर्टेंट जिनस बहुत ही गुरुत्वपूर्ण क्वेश्चन तैयारी जिवो से के ठारे नाम लिखेले। जदि आपन को क्वेश्चन दिया जिवो तारे उत्तर कोन करबे बहुत ही इंपोर्टेंट आ बहुत ही गुरुत्वपूर्ण। किंतु देखंतु बंधुगण जेते बेले 7 वर्ष हो गला जेते बेले 7 वर्ष हो गला सेते बेले विद्या आरंभ करथिरे हमर भक्त कवि मधुसूदन राव। आ जेते बेले 9 वर्ष हो गला बंधुगण जेते बेले 9 वर्ष हो गला मधुसूदन राव को ताहले सेते बेले कोन कला सेते बेले पुरी जिल्ला रे नाम लिखि देले पढिबा पई पाठ पढिया पई पुरी जिल्ला रे नाम लिखि देले जेते बेले मधुसूदन राव को 9 वर्ष हो गला। आ जदि आम देखा बंधुगण बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिते बिले से पूरी जिले रे पढ़ापाई नाम लिखीदे से बिले पूरी जिला स्कूल रे आमर कविवर राधनाथ राय कविवर राधनाथ राय द्वितीय शिक्षक भाव से जोग देते से द्वितीय शिक्षक रूपे जोग देते। जदि आप जगार क्वेश्चन दिजो जे आमर कविवर राधनाथ राय के पूरी जिले में देखते केबे पुरी जिले रे द्वितीय शिक्षक रूप जोग देते ताले यार सठिक उत्तर कौन करेंगे 1800 मसीह और 68 मसीह जिनस को मन रखे 1868 मसीह मधुसूदन राव जिते बेले देखते नाम लिखेले पाठ पढ़ापाई से बेले पुरी जिले में जिते नाम लिखेले से राधनाथ राय आम कविपुर राधनाथ राय द्वितीय शिक्षक रूप जोग देते पुरी जिला स्कूल रे ये देखो मन रखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जिनस। आपने जानते दुईज मधुसूदन राव आउ कविवर राधनाथ राय ये दुईज मिसिकी के कविता रचना करते जदि आप क्वेश्चन दिया जाए उत्तर कौन कर कविता बोली आपने जानते कविता बोली बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तैयारी बहुत गुरुत्वपूर्ण क्वेश्चन तैयारी आग को बढ़िया कि यही आम आहरी क्वेश्चन करवा ये आ बहुत सारा क्वेश्चन तैयारी बहुत ही इम्पोर्टेंट जिनस आ बहुत गुरुत्वपूर्ण जिनस। आ बंधुगण बहुत ही इम्पोर्टेंट जिनस कौन रही देखु जदि आप क्वेश्चन दिया जिवो जे मधुसूदन रावकर प्रथम प्रबंध कौन रचना करते हैं उत्तर कौन कहे रचित प्रबंधर ना हूँ प्रबंध माला मन रखे प्रबंध माला ये गोटे प्रबंध हूँ सब थोड़ी फास्ट कौन कही रचना कही आमर स्वभाव कवि सॉरी भक्त कवि मधुसूदन राव कौन कर रचना कही तो मन रखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट आउ बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जी चलतु जदि मुझे कह भी ये क्वेश्चन सरब ही ना बहुत क्वेश्चन तैयारी हो तो चलतु किसी आग को बढ़िया आग को कौन कौन क्वेश्चन रही देखु बंधुगण बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मधुसूदन राव को सबुठारु बड़ अवदान कौन बहुत बढ़िया बहुत सुंदर क्वेश्चन। तो आपण मैंने यार सठिक उत्तर कौन करेंगे यार सठिक उत्तर कौन हो बंधुगण गीति कविता यार सठिक उत्तर हो गीति कविता हूँ मधुसूदन राव को सबुठारु बड़ अवदान। आ प्रबंधमाला कौन ये प्रबंधमाला हूँ मधुसूदन राव को प्रथम रचित प्रबंधर ना हूँ प्रबंधमाला बहुत इम्पोर्टेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत गुरुत्वपूर्ण। जदि आप क्वेश्चन दिया जिवो जे प्रबंधमाला के रचित होता है उत्तर कौन करेंगे 1880 मसीहा कहीदेवे आप सठिक उत्तर हो बसंत गाथा कौन ये बसंत गाथा ताली उत्तर कौन करेंगे ये बसंत गाथा आमर रचित होता बंधुगण देखु 1901 मसीह रचित होता प्रबंधमाला सरी बसंत गाथा देखु ये बसंत गाथा को किए रचना करमर मधुसूदन राव ही रचना कर मन रखिए 1901 मसीह यहाँ कौन होना रचना रचित हो बहुत इम्पोर्टेंट आ बहुत ही गुरुत्वपूर्ण। आउ ये क्वेश्चन कौन आस बसंत गाथार आ क्वेश्चन केमी हे यही बसंत गाथार
ये ग्रंथ बंधुगण केतोटी कविता रही पचार उत्तर कौन करेंगे सतीशी कहीदेवी है आपंकर सठिक उत्तर हो बसंत गाथा ग्रंथर केतोटी कविता रही उत्तर कौन करेंगे सतीशी कहे बहुत इम्पोर्टेंट बहुत गुरुत्वपूर्ण आउ यार ना कहीं बसंत गाथा बोले दिगला जानते कहीं अधिकार अधिक बसंत ऋतु रचना करुले ये कविता गुड़िक तेणुको यार ना दि जाइए बसंत गाथा बहुत ही बढ़िया बहुत ही शानदार चलतु परवर्ती ऑप्शन कौन देखिए देखते कुसुमांजलि गोटे कौन यहाँ भी गोटे ग्रंथ अटे कहार मसूरधन राव यहाँ 1903 मसीह बंधुगण रचना कराई कुसुमांजलि ग्रंथ यही ग्रंथर केतोटी कविता रही एगारोटी रही मन रखिए एगारोटी कविता को लेकिन गोटे ग्रंथ गठित होई कुसुमांजलि जोटा कि 1903 मसीह इटा रचित होता बहुत बढ़िया आ बहुत ही सुंदर तो चलतु परवर्त क्वेश्चन करवा कि ये आहरी क्वेश्चन करवा आहरी बहुत सारा ही क्वेश्चन जब मुझे कह देखु परवर्त क्वेश्चन कौन कौन पचार देखते बसंत गाथा कविता गुच्छर नामकरण इपरी होबार कारण कौन कहीं इपरी होबार कारण हूँ बंधुगण अधिकरु अधिकांश बसंत काल में बसंत ऋतु समय रे इटा रचित होइथिबारु यार ना दिया जाइछि कौन बसंत गाथा तो जदि आपन को इ क्वेश्चन आसिले आपन माने इजीली करि पारिबे बिल्कुल सटीक उत्तर करि देबे आपनकर देखंतु बहुत इंपोर्टेंट जिनिस तापर देखंतु परवर्ती क्वेश्चन कोन पचारिछि देखंतु बंधुगण वर्णबोध पुस्तकटी कहा द्वारा रचित होइछि आ एहा केबे रचित होइथिला आमर ओडिया वर्णबोध आपन माने पढि देबे एक क्लास रे दुई क्लास रे तो देखते बंधुगण ये वर्णबोध ये पुस्तकटी किए रचना कर मधुसूदन राव मधुसूदन राव रचना करणबोध केवे जदि आप क्वेश्चन दिजाव 1893 सरी 95 मसीह रचना कर मधुसूदन राव बहुत ही इम्पोर्टेंट बहुत ही गुरुत्वपूर्ण पेन और कॉपी को यूज करेंगे तापर देखते परवर्त क्वेश्चन कौन पचार देखते केवे मधुसूदन राव राय बहादुर उपाधि भूषित होते हैं यार सठिक उत्तर कौन करेंगे देखु देखते बंधुगण क्वेश्चन गुड़िक आम को कौन कौन पचार क्वेश्चन आम को कौन कौन पचार देखु कड़ीगला देखु के मधुसूदन राव राय बहादुर उपाधि भूषित होते हैं यार सठिक उत्तर कौन करेंगे देखते बंधुगण ऑप्शन नंबर ए रे जदि आम देखा बंधुगण ऑप्शन नंबर ए रे कौन देखो 1909 देखते बंधुगण मधुसूदन राव तो देख सरकारी कार्य अवसर ग्रहण नहीं मन रखिए बहुत इम्पोर्टेंट जिनस अवसर नहीं सरकारी पदवी मधुसूदन राव आ 1911 यहाँ कौन 1911 देखते बंधुगण कविवर राधानाथ राय 1911 मसीह देखु डिसेम्बर मस 28 तारीख दिन से मृत्युवरण कर 1911 मसीह आमर देखु मधुसूदन राव मृत्युवरण करते तो यहाँ तो सठिक उत्तर हो देखु 1907 मसीह से राय बहादुर उपाधि भूषित होते तो ऑप्शन नंबर सी हिज सठिक उत्तर बहुत बढ़िया बहुत ही सुंदर आ 1853 मसीह कौन एथेर जन्म होते आमर मधुसूदन राव जन्म होते 1853 मसीह जनवरी मस 29 तारीख दिन जन्म होते मधुसूदन राव कतोटी क्वेश्चन कले आम ये चारिटी क्वेश्चन कले आहरी कह आहरी बहुत सारा हो तो देखते परवर्त क्वेश्चन कह कहीं क्वेश्चन जितकी रही सर जदि मुझे आरबि सर जितकी क्वेश्चन रही सर तो देखते परवर्त क्वेश्चन करवा जदि आप क्वेश्चन दिजाव जो मधुसूदन राव पिता और माता नाम कौन तक पिता नाम भागीरथी राव माता नाम अंबिका देवी यहाँ तो आम कही सारू देखु भागीरथी राव जड़े कौन थे देखु ये जो पुलिस कर्मचारी थे यहाँ आम सारी देखु मधुसूदन राव प्रथम प्रबंधर नाम जी प्रबंध माला यहाँ भी सारी केवे यहाँ रचना होता 1880 मसीह 1880 तो बहुत बढ़िया बहुत सुंदर मन रखिए 1880 मसीह यहाँ रचित होता देखते परवर्त क्वेश्चन कौन पचार देखते 1910 मसीह मधुसूदन रेवेन्सा कलेजिएट स्कूल प्रधान शिक्षक पदवी में निजुक्ति यार सठिक उत्तर कौन करेंगे केते मसीह मन रखिए बंधुगण प्रधान शिक्षक
पदरी आम निजुक्ति रेवेन्सा कलेजिएट स्कूल रे मधुसूदन राव केबे होइथिले सॉरी 1891 मसीह मधुसूदन राव देखु रेवेन्सा कलेजिएट स्कूल रे प्रधान शिक्षक पदवी निजुक्ति होइथिले मन रखिबे 1891 मसीह तापर देखु परवर्ती क्वेश्चन कौन कौन पचार देखु आमको क्वेश्चन पचार जे केबे मधुसूदन बालेश्वर जिलार डेप्युटी इन्स्पेक्टर पदरे निजुक्ति हेले केबे 1893 मसीह मन रखिबे 1893 मसीह आमर मधुसूदन राव बालेश्वर जिलार डेप्युटी इन्स्पेक्टर पदरे निजुक्ति होइथिले 1893 मसीह देखंतु 1891 मसीह प्रधान शिक्षक होइगले रेवेन्सा कलेजिएट स्कूल तापरे 1893 मसीह कौन है ना डेप्युटी इन्स्पेक्टर पदरे निजुक्ति होइगले तापरे देखंतु परवर्ती क्वेश्चन कौन पजाछि मधुसूदन को कुसुमांजलि एटा मधुसूदन रचना करथिले ए ग्रंथ को एटा गोटे कविता ग्रंथ अटे एथिरे केतोटी कविता अछि जदि अपन को क्वेश्चन दिया जइबो ताले उत्तर कोन करिवे 11 टी करिवे 11 टी हे जइबो यार सठिक उत्तर बहुत बढ़िया आउ बहुत सुंदर जदि अपन को क्वेश्चन दिया जइबो जे कुसुमांजलि केबे रचना करैथिला तहार सठिक उत्तर कोन करिवे 1903 मसीह एटा कोन होइथिला ना रचना कराइला ये कुसुमांजलि कविता ग्रंथ आमर देखो केतोटी कविता रही 11 कविता रही जिनस को मन रखे बहुत इम्पोर्टां बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे तापर देखो परवर्त क्वेश्चन कौन कौन पचारे भी टी देखा देखु कविता बोली देखते ये कविता बोली जदि आम देखा बंधुगण मधुसूदन राव आखंत कविवर राधनाथ राय कविवर राधनाथ राय आ मधुसूदन राव ये दुई जन रचना कर कविता बोली ग्रंथ को तो देखते जदि भी आपन को क्वेश्चन दिया जिवो जे राधानाथ राय प्रथम कवितार ना कौन ताल उत्तर कौन करेंगे कविता बोली कहे जदि आपन को क्वेश्चन दिया जिवो कविवर राधानाथ राय प्रथम काव्यर नाम कौन ताल उत्तर कौन करेंगे केदार गौरी कहदेवे केदार गौरी जदि काव्य पचार तो जदि कविता पचार कविता बोली सठिक उत्तर आमको क्वेश्चन कौन पचारी आमको क्वेश्चन पचारी कविता बोली कविता ग्रंथ केते भाग रे विभक्त तो यहाँ दुई भाग रे विभक्त होता तो दुई भाग रे गोटे भाग रे जदि देखा प्रथम भाग रे जदि देखा बंधुगण कवि सभ्यता कवि प्रेम कवि भागवत एगुड़ी हम प्रकाश पाई प्रथम भाग रे यहाँ जिनस मन रखे आ दुई नंबर भाग रे कौन होता ये बंधुगण सेमती गोटे देखु कवि प्रकृति होगा कवि सहित मित्रता होगा कवि स्थापन युड़िक कवि धर्म प्रेम नैतिकता मानसिकता विश्वास युड़िक प्रकाश पाई दुई नंबर भाग रे तो कविता बोली ग्रंथर बंधुगण ये दुई भाग रे विभक्त हो कविता बोली ग्रंथ मन रखिए बहुत इम्पोर्टेंट बहुत ही सुंदर लंग क्वेश्चन आसे आप इजिली करेंगे तो जितेबले लंग क्वेश्चन करेंगे निज भाषा लिखे जो बुक को देखा तो बुक रे पढ़ंतु किंतु निज भाषा लिखंतु जोद्वर कि अधिक रु अधिक स्कोर करें आदि बुक जो घोषा तो मन रहा बुक को घोषा जाए अधिक रु अधिक देखी देखी प्राक्टिस कराए अधिक रु अधिक रिविजन कराए अधिक रु अधिक देखी देखी लेखिक प्राक्टिस करती घोषंती ना ये भी घोषे ना घोषा पद्धति दीर्घस्थायी रहा अधिक रु अधिक रिविजन करूँ प्राक्टिस करूँ आपण को चेंज करदेव देखु परवर्त क्वेश्चन कौन पचारे आमको क्वेश्चन पचार बंधुगण जे उत्कल सम्मिलन प्रेरणारु कवि जो सब कविता रचना करते सेगुड़ी क्यों पुस्तक संकलित देखते बंधुगण जदि भी आपको क्वेश्चन दिया उत्कल सम्मिलन के तो डायरेक्टली उत्तर कहदेवे आखि बुझिकी 1903 कहदेवे आप सठिक उत्तर हो तो उत्कल सम्मिलन प्रेरणारु कवि जो सब कविता रचना करते सेगुड़ी क्यों पुस्तक संकलित बोली आमको क्वेश्चन पचार यार सठिक उत्तर कौन करेंगे यार सठिक उत्तर हो उत्कल गाथा हो सठिक उत्तर बहुत बढ़िया बहुत सुंदर तापर देखते परवर्त क्वेश्चन आमको कौन कौन पचार देखु परवर्त क्वेश्चन आमको पचार क्यों ग्रंथर कविता गुड़िक कवि
मधुसूदन को देखु भक्त कवि भाव देखते ये भक्त कवि हेगला भक्ता दे भक्त कवि भाव परिचित करवाई जथेष सहायक हो मन रखी बहुत इम्पोर्टेंट के ग्रंथर कविता गुड़िक कवि मधुसूदन राव को भक्त कवि भाव परिचित करवाई सहायक होती उत्तर कौन करेंगे संगीतमाला उत्तर कौन करेंगे संगीतमाला बहुत बढ़िया आउ बहुत सुंदर। तो बंधुगण ये संगीतमाला बंधुगण 66तम मन रखिए 66तम कौन 66तम माघ उत्सव उपलक्षे ये संगीत रचित होता क्यों उत्सव रूपे यहाँ रचित होता क्यों उत्सव उपलक्षे रचित होता ये संगीतमाला जी आप क्वेश्चन दिजा उत्तर कौन कर 66तम माघ उत्सव उपलक्षे ये संगीतटी रचित होता संगीतमाला। तो यहाँ ही आम देखु बहुत ही इम्पोर्टेंट जिनस मधुसूदन राव को भक्त कवि भाव परिचित करने संगीतमाला ग्रंथ ही यहाँ द्वारा ही सहायक हो पाई सहायक होता ताप देखते बंधु कौन परवर्ती क्वेश्चन कौन पचार कवि मधुसूदन राव क्यों कविता ग्रंथ छतु वर्णना करते यार सठिक उत्तर कौन करेंगे छंदमाला करदे सठिक उत्तर कौन करेंगे छंदमाला करदे आ छंदमाला कते भागरे प्रकाशित होती देखते दुई भागरे यहाँ प्रकाशित होती छंदमाला मन रखिए ये ग्रंथटी दुई भागरे प्रकाशित होती मन रखिए छंदमाला ग्रंथर छतुर वर्णना कराई ग्रीष्म वर्षा शरत हेमंत शीत बसंत छटी ऋतु वर्णना कराई छंदमाला ये ग्रंथरे देखते पर्वती क्वेश्चन कौन पचार देखु हिमाचल हृदय उत्सव कविता ग्रंथर कवि किए हिमाचल उदय उत्सव कविता ग्रंथर कवि होती मधुसूदन राव। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही गुरुत्वपूर्ण अटे मधुसूदन राव कहते हैं देखते परवर्त क्वेश्चन कौन पचार शिशु गीत कविता ग्रंथर कवि किए मधुसूदन राव ताप देखते बहुत ही इम्पोर्टेंट जिनस बाल रामायण डैश कांडर विषय वस्तु ही बाल रामायण ग्रंथर वर्णित तो अयोध्या कांड कहीदेवि है अयोध्या कांड हो आपर सठिक उत्तर बाल रामायण अयोध्या कांड विषय वस्तु ही बाल रामायण ग्रंथ वर्णित तापर देखते परवर्ती क्वेश्चन कौन पचार बाल रामायण ग्रंथ केते अक्षर विशिष्ट वृत्त एवं केते अध्याय रचित तो यार सठिक उत्तर कौन कहे 14 अक्षर विशिष्ट वृत्त 9 अध्याय रचित हो बाल रामायण बाल रामायण जदि आप क्वेश्चन दिजाव बाल रामायण ये ग्रंथर रचयिता किए तेल उत्तर कौन कर मधुसूदन राव करी मधुसूदन राव। तो बहुत इम्पोर्टेंट जिनस बहुत ही गुरुत्वपूर्ण थी बंधुगण मधुसूदन राव के द्वारा रचित नाटकर नाम कौन तेल उत्तर कौन कर उत्तर रामचरित बहुत बढ़िया बहुत ही सुंदर। तो देखते उत्तर रामचरित यहाँ क्या द्वारा रचित होता गोटे नाटक अटे उत्तर रामचरित ये गोटे नाटक अटे मधुसूदन राव रचना कर बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ही गुरुत्वपूर्ण अटे भिडियोटी केमी लगे बंधुगण एमती क्वेश्चन आउ नहीं आसवि कि नहीं कमेंट करके जनवे आपण मतामत जनइबे हृदय लाइक करदे बहुत बढ़िया बहुत ही सुंदर। तो चलतु परवर्ती क्वेश्चन मुझे नहीं आसवि एमतीका अधिक रु अधिक तो आपणकर कमेंट जदि करेंगे देन नहीं आसवि तो देखते आ लाइक करदे सांग मानक सेयार करदे जो चैनल नुआ अच्छा तो सब्सक्राइब करदे और टाइम आम टेलीग्राम चैनल जो जॉइन होना तो वीडियो तेल गोटे लिंक पाइबे मैक्सिमम रु मैक्सिमम पिला माने जॉइन भी होना डरुंच ना कौन मुझे जानी। तो चलतु परवर्ती वीडियो देखा सो थैंक यू सो मच जी हिंद बंधुगण।